के साथ कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज कुरुक्षेत्र जिले में पीएम मोदी की विशाल रैली होने जा रही है। जीटी रोड बेल्ट के 6 जिलों को साधने की कोशिश आज कुरुक्षेत्र से की जाएगी। 6 जिलों की 27 विधानसभा सीटों पर खास फोकस किया जाएगा। पीएम की रैली में बीजेपी के प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। रैली को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 8 एसपी, 20 डीएसपी समेत 2500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो देखिए, काफी खास तैयारियां इस रैली को लेकर की गई है। और इससे पहले आपको बता दें, जब से ये जो शेड्यूल है वो जब तैयार किया गया, तब से ही चुनावी रैली को लेकर तैयारी चल रही है। अब ऐसे में आज रैली होनी है कुरुक्षेत्र में। चुनावी शंखनाद आज हरियाणा विधानसभा चुनावों का बीजेपी करती हुई नजर आएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली में शामिल होंगे और सीधे तौर पर आज रैली करते हुए नजर आएंगे और सभी विधानसभा सीटों को वहां से साधते हुए नजर आएंगे। गगन सांगर कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर जुड़े हैं। गगन, देखिए, तैयारियां हालांकि इस रैली को लेकर पूरी कर ली गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरुक्षेत्र आने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, बड़ा चेहरा यानी कि जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो सामने आई थी बीजेपी की, उसमें से देखिए सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम है। अब वही आज कुरुक्षेत्र आएंगे। कितना फायदा कुरुक्षेत्र में जो भी जनता है उससे बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए लाडवा सीट भी कुरुक्षेत्र में आती है और सीएम वहां से प्रत्याशी हैं। ऐसे में कितना फायदा पहली रैली से होता हुआ नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, जब इसका देखिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे पहला नाम जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो स्टार प्रचारक की बात कर ली जाए तो हरियाणा के अंदर संक्रांत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक जोश जो है भाजपा कार्यकर्ता और तमाम जो लोगों के बीच में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, लाडवा एक कुरुक्षेत्रा दौरे की बात की जाए तो कुरुक्षेत्रा में जो रैली का आयोजन किया जा रहा है, इसे हम इसलिए भी खास मान सकते हैं क्योंकि लाडवा विधानसभा से हरियाणा के मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि गढ़बी कुरुक्षेत्रा धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी हरियाणा की बात की जाए तो पूरे उत्तरी हरियाणा को जिस तमाम जो विधानसभाएं हैं उन पर इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ही खास रहने वाला है। तमाम जो तैयारियां हैं कर ली गई हैं और अभी भी देखिए तैयारियों में प्रशासन लगा हुआ है और देखिए काफी जो इसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए अम्बाला सीट की बात की जाए या कुरुक्षेत्रा सीट की थानेसर सीट की बात की जाए या लाडवा विधानसभा की बात की जाए, देखिए सीधा सीधा असर इसका लाडवा विधानसभा पर भी बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बहुत ही खास और शंखनाद विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं, तो इससे बढ़कर बात क्या होगी भाजपा के लिए। और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो लगातार देखिए तकरीबन 23 से अधिक विधानसभाओं के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे पूरे उत्तरी हरियाणा से जो कार्यकर्ता है भाजपा के, और तमाम जो लोग हैं वो हमारे हरियाणा हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसका सीधा सीधा असर पूरे उत्तरी हरियाणा पर पड़ेगा। और लाडवा सीट की बात की जाए तो लाडवा सीट पर इसका बहुत सा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो इसे संक्रांत करने के लिए विधानसभा का तो बहुत ही खास रहने वाला है। तमाम जो तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन जिस तरीके से 8 एसपी और 20 डीएसपी 2 किलोमीटर के दायरे में 2500 से अधिक जवान जो है पीएम की सुरक्षा को देखते हुए लगाए गए हैं और देखिए रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है और देखिए विधानसभा चुनाव का संक्रांत करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो बहुत ही खास भाजपा के लिए रह सकता है। जी बिल्कुल, देखिए गगन, बीजेपी की रणनीति की बात की जाए तो काफी स्ट्रांग बीजेपी की रणनीति रहती है। वैसे में जो पहली रैली हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में होने जा रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो रैली करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में रैली होगी, लेकिन देखिए कुरुक्षेत्र से लगती और लोकसभा सीटों का मैं जिक्र करूं, कुरुक्षेत्र की मैं बात करती हूं, करनाल की बात करती हूं, लोकसभा चुनावों में जीत हासिल हुई थी बीजेपी को, लेकिन उसके अलावा अंबाला का हम जिक्र कर रहे हैं, सोनीपत का जिक्र कर रहे हैं, देखिए वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लग रहा है गगन कि कुरुक्षेत्र को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि देखिए लाडवा जो विधानसभा सीट है उसके अंतर्गत आती है, सीएम वहां से प्रत्याशी है। उसके अलावा देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब इतना बड़ा चेहरा अगर देश का किसी लोकसभा सीट के अंदर अगर आता है, किसी विधानसभा सीट को लेकर साधने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं आसपास की जो और भी सीटें होती हैं उस पर भी उसका असर देखने को मिलता है।
आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीधा सीधा सर देखिए लाडवा सीट पर तो देखिए पड़े पड़े गए, लेकिन जो तमाम जो सीटें हैं आसपास की, थानेसर की बात की जाए, अम्बाला कैंट की बात की जाए, या शाहबाद की बात की जाए, या करनाल की बात की जाए, तो उस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो वो खुद शंखनाद विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ही खास रह सकता है। और तमाम जो मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ उत्तरी हरियाणा पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री अगर चुनाव प्रचार में आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ही खास रह सकता है। और इसका असर सीधा तौर पर जो है लाडवा के साथ साथ तमाम जो सीटें हैं, थानेसर की सीट है, अम्बाला कैंट की, अम्बाला सिटी की और यमुनानगर की, इन सीटों पर भी जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। और देखिए कार्यकर्ता लगातार जो है अलग अलग विधानसभाओं से कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के विचारों को सुनने के लिए जो कार्यकर्ता है, जो लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम देखिए तैयारियां कर ली गई है और अभी तक जो है तैयारियां चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी गगन, ये देखने वाली बात होगी। आप अपडेट देते रहेगा, इस खबर पर बने रहेगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं क्या कुछ अपडेट फिलहाल रैली स्थल से मिल पा रही है, और जब रैली शुरू होगी उससे पहले भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको अपडेट देंगे क्या कुछ फिलहाल आज इस रैली में खास रहेगा। और देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं 6 जिले हैं उनको फोकस करने की कोशिश, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर। और देखिए काफी खास इस रैली को भी माना जा रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में पीएम की रैली होने वाली है और लाडवा सीट जो है यानी कि जहां से सीएम नायब सिंह सैनी प्रत्याशी हैं, ये सीट इसी कुरुक्षेत्र के अंदर आती है, अंतर्गत आती है। अब ऐसे में देखिए सीएम को लेकर भी समर्थन करते हुए आज पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, और भी जो बाकी के प्रत्याशी हैं उनके लिए भी आज वोट की अपील जो है की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वोट किए जाएं, यही अपील आज चुनावी रैली के दौरान की जाएगी। 6 जिले 27 विधानसभा सीटें हैं जिनको फोकस किया जा रहा है जीटी रोड बेल्ट में। 6 जिले देखिए आपको बता दें, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर। 27 विधानसभा 6 जिलों को आज साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आज जब रैली होती है तो कितना असर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे पर आने से पड़ता है, और कितना फायदा बीजेपी को इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। तो देखिए फिलहाल ये पहली ही रैली होने जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी इस रैली को कर रहे हैं, उसके बाद और भी रैली उनकी होनी है। तो फिलहाल आज की तस्वीरें जो रहेंगी वो आपको अपडेट देंगे।